इस वक्त हमारे साथ अविनाश जी गहलोत हैं, जिन्होंने दो दिन पहले मंत्री पद की शपथ ली थी। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आपकी क्या प्लानिंग है सरकार में, क्या कामकाज की प्लानिंग है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने शपथ ली है, क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, अंग्रेजी नववर्ष 2024 की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। सबका जीवन मंगलमय हो, सब भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ में हम लोग रहें, ऐसी शुभकामना मैं मेरी ओर से देता हूं और हमारी सरकार की तरफ से देता हूं जी। सर, आपकी बार जो मंत्री देखने को मिले हैं वो अधिकतर नए नेताओं पे दाव लगाया है भाजपा ने, क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री के रूप में भी जो पहली बार विधायक चुन के आए हैं उनको मौका दिया है, तो भाजपा ने एक नए युग की शुरुआत की है, किस तरह देखते हो सर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है और मोदी है तो मुमकिन है जी। ये सब नवाचार जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मुझे समझता हूँ कि छोटे कार्यकर्ताओं को नई लीडरशिप जो तैयार कर रहे हैं आगे के लिए, और मैं समझता हूँ पुराने लोगों का अनुभव हमारे साथ में है, उन लोगों को भी हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं। और निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे नेतृत्व का सामूहिक निर्णय है। उन्होंने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है जी। प्रदेश के आशाओं अपेक्षाओं पर खरा उतरना, कानून व्यवस्था को ठीक करना, सुशासन स्थापित करना, सुराज की स्थापना करना, राम राज्य की स्थापना करना, ये हमारा लक्ष्य है जी। और विकसित राजस्थान बनाने के लिए हम सबको मिलकर ये भागीदारी निभानी होगी। हम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अंतिम सवाल सर आपसे, 27 दिन लग गए सर भाजपा में मंत्रिमंडल का विस्तार करने में, कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर रही, निशाना साधती रहेगी कि भाजपा पार्टी में गुटबाजी है, क्या दिक्कत हो रही है, समय क्यों लग गया सर इतना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो भी फैसला होता है पार्टी के अंदर सामूहिक सहमति के आधार पर होता है जी, तो ऐसा कोई ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। पहले हमारी 3 तारीख को मतगणना हो गई थी, 15 को शपथ हो गई थी, 30 को मंत्रिमंडल गठन भी हो गया, तो सोच समझ कर जो भी निर्णय हुआ है सही हुआ है। अब 1-2 दिन के अंदर पोर्टफोलियो का भी डिसीजन हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ गति से राजस्थान में विकास की रफ्तार पर हम सब लोग आगे चलेंगे। गुटबाजी वाली कोई बात नहीं, गुटबाजी होती तो शायद हमारी सरकार भी नहीं बनती, लेकिन जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, तो ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रश्न है, हम लोग इसमें पूरा आगे बढ़ रहे हैं जी। धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ठीक है, तो हमारे साथ ये थे अविनाश जी गहलोत, जो कि जयराम से विधायक बन के आए थे और भाजपा ने इनको मंत्री बनाया है, देखते हैं कि कौन सा विभाग इनको मिलता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा साथी लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।